क्वेश्चन नंबर टू, आइला एक कंपनी का नाम है आइला, ठीक है, रन्स द प्लैनेटेरियम स्टेशन इन नई दिल्ली। एक प्लैनेटेरियम स्टेशन है जैसे नेहरू तारामंडल है ना, उस तरीके से आइला नई दिल्ली में एक प्लैनेटेरियम स्टेशन को रन करता है। ये सब बकवास बकवास की चीज़ें, उसकी तारीफ करी गई, इसके हिस्ट्री वगैरह बता रहे कि इसको छोड़ो, काम की बात यहाँ से शुरू होती है। द एवरेज आईमैक्स शो एट द स्टेशन अट्रैक्ट 120 विजिटर। एक जब शो होता है तो उसमें 120 विजिटर आते हैं, जिसमें 50 बच्चे होते हैं, 7 एडल्ट होते हैं। चिल्ड्रन की कॉस्ट 160 रुपया होती है और एडल्ट की जो टिकट है वो 200 रुपये की होती है। आइला एस्टिमेट करता है कि जो शो को चलाने का कॉस्ट है एक शो को, वो 10,000 रुपये है। और इन एडिशन ये वेरिएबल के अकॉर्डिंग, ये मतलब ऑपरेशन के ऑपरेशन कॉस्ट के अकॉर्डिंग एक फिक्स कॉस्ट भी लगती है 7,500 की, जो कि एलोकेट करी गई है हर शो को बेस्ड ऑन नंबर, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ आईमैक्स शोज के हिसाब से। यानी ये, और ये जो हमारे लिए फिक्स कॉस्ट है रिलेवेंट है क्योंकि ये एलोकेटेड है, यानी ऑलरेडी इनकर हो चुकी है, ठीक है, तो हमारे डिसीजन के लिए ये रिलेवेंट है। द होबर्ट स्कूल एक स्कूल है जो अप्रोच करता है आइला को, कहता है कि एक आप एक्स्ट्रा शो को शेड्यूल कर दो क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए, जिसमें और उस शो में हमारे 100 बच्चे जाएंगे, जिसमें और 100 बच्चे जाएंगे और 5 टीचर्स भी जाएंगे उस स्पेशल शो को देखने के लिए। तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि, और ये शो उस समय अरेंज होगा जबकि यूजुअली जो आईमैक्स अपने शोज़ नहीं चलाता है उस समय अरेंज होगा, तो मतलब इसका मतलब है कोई कंट्रीब्यूशन का कोई लॉस भी नहीं होगा, क्योंकि इस जिस समय शो नहीं चलता है वो आईमैक्स उस समय शो चला रहा है, तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन का भी लॉस नहीं होगा आईमैक्स का। तो मैं पूछा है मिनिमम अमाउंट क्या चार्ज करना चाहिए आइला को। देखो जी, कंट्रीब्यूशन का कोई लॉस हो नहीं रहा है और मिनिमम अमाउंट जो है वो चलाने की लगती है 10,000 रुपये, है ना, तो मिनिमम 10,000 ही इसको चार्ज करना चाहिए अगर मिनिमम की बात करें तो। बाकी आइला को और भी फैक्टर्स जो है कंसीडर करने चाहिए, जैसे कि बहुत सारे बच्चे आएंगे तो खाना पीना भी खरीदेंगे, स्नैक्स वगैरह, तो उससे उसकी बिक्री भी बढ़ेगी, उसको और उसको प्रॉफिट भी होगा उन चीज़ों के ऊपर। फिर उसके फ्यूचर रिवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, बच्चे आएंगे देखेंगे फिर अपने मम्मी के पापा के साथ वापस आएंगे, ठीक है। और या फिर और ये इसको एक कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे जो जिस शो पे जिस टाइम इस टाइम पे शो नहीं चलता है तो यानी वर्कर्स को उसे पहले बुलाना पड़ेगा या तो लेट रुकना पड़ेगा, तो उसके लिए वर्कर को अगर ओवर टाइम पे करना है तो उस चीज़ को भी इसको कंसीडर करना चाहिए कि क्या ये 10,000 की जो कॉस्ट है उसमें ये चीज़ इंक्लूडेड है कि नहीं ओवर टाइम वाली, ठीक है। और आइला को बहुत सारी चीज़ें और भी कंसीडर करनी चाहिए, जैसे एजुकेशनल मिशन क्या है प्लैनेटेरियम स्टेशन का। एजुकेशनल मिशन होता है तो बच्चों को वो दिखाएंगे तो उसका मिशन भी पूरा होगा, बच्चे भी एक्सपोज होंगे अर्थ साइंस से रिलेटेड, है ना, तो और ये हमारे देश के प्रगति में फिर भाग लेंगे क्योंकि बच्चे तो फ्यूचर होते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी जो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स है वो भी इसको कंसीडर करना चाहिए, जहाँ तक रही मिनिमम चार्ज करने के बाद जो 10,000, क्योंकि उसका रनिंग कॉस्ट है, उसका कोई लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए 10,000 मिनिमम चार्ज करना चाहिए उसे।